कॉन्ग्रेचुलेशन रॉकन टू के लिए, नया फिर से एक सफर शुरुआत करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे ऑडियंस से आप? यही कहूंगा कि रॉक ऑन एंड कीप रॉकिंग ऑन। इट्स बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लोगों को पसंद आई थी, और जो पुबाली और सुजात ने मिलके जो ये स्क्रिप्ट लिखी है, इट हैड अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। सो दैट्स व्हाट इट्स डन। आई कांट टेल यू मच अबाउट द स्टोरी, बट इसमें एवरीबॉडी डिड लाइक इट। एक नेशनल अवार्ड वी हैड वन फॉर दिस मूवी, एंड वी बीन वेटिंग 8 साल लग गए, बट आई थिंक द वर्थ विल, आई मीन इट इज वर्थ द वेट, एंड यू विल सी द मूवी एंड होपफुली एंजॉय। Thank you. Yeah. Just loved it. Thank you. What is the most challenging part while working on Rockon? The casting or the music? Even the music is amazing. Hey, okay. जैसे when you start feeling completely schizophrenic, जैसे कि मैं कह रहा था आपसे. No, all of it is equally as challenging and equally exciting. We want the music to be good. We of course want the best for casting. We want the locations to be good, and most importantly, I think we have a certain responsibility to the first film. And to the people who have really kept that film alive, kept the memory of that film alive, that when they watch this film, you know, they really feel like we've made it again with the kind of love that we made the first one. I think that is probably the biggest challenge, to live up to that. Okay, media ko dikhane se pehle kya aapne kisi aur ko bhi teaser dikhaya hai apni family se ya Bollywood? Nahi, bilkul nahi, bahut superstitious hai hum log. Hum pehle media ko dikhate hain, uske baad family ko dikhate hain sari cheeze. To ha, okay, let's take it very seriously also. Hey, that, oh, I see. I think आपको मेरे डायरेक्टर से पूछना चाहिए क्यों। So I think it's all in my good fortune। मैं actually बहुत lucky हो गई क्योंकि I feel कि मैं Rock On One की सबसे बड़ी fan हूँ, और जब मैंने वो फिल्म देखी थी मैंने तय कर लिया था कि अगर ये एक सीक्वल बनाएंगे तो मैं उसमें डेफिनेटली रहूंगी, तो वो हो रहा है, तो इट्स लाइक ये बहुत ही एक वॉटर्ड डाउन तरीके में आपको बताऊंगी। पहले प्रॉपर्ली आप थिएटर में बैठी थी, फिल्म खत्म हुआ, पेरेंट्स साथ में थे, शी गॉट अप एंड शी लुक्ड एंड सेड इफ दे मेक अ सीक्वल आई वांट टू बी इन इट, दे वर लाइक ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, वाज इट समथिंग लाइक ऐसा ही कुछ। सो एंड या, एंड सिंस I love singing also apart from acting, so I was very happy ki they decided to make Rock On 2 and they wanted me in it, so I was very thrilled. Yeah, aap kis vaadi yantra pe wo sambhalte hue nazar aayenge? Main I'll be playing the keyboard in Rock On 2, so I hope you guys like it. Yeah, Arjun, kitna challenging raha Rock On 2 karna aur saath mein is baat ko maintain rakhna ki pehla kirdaar dusre kirdaar se kahin match karna? अरे मैच तो होना चाहिए, सीक्वल है भाई साहब, लेकिन लेकिन फिर भी लेकिन हाँ, अगर जिस तरीके उन्होंने रॉक ऑन टू का जो किरदार लिखा है जो के लिए 8 साल बाद आप उनसे उनकी मुलाकात होती है, दर्शक की मुलाकात होगी जो के साथ, मेरी भी हुई थी उसी हिसाब से, तो क्या हो बीती उस 8 सालों में वो ये कहानी, और उसी प्रकार से मुझे भी एडजस्ट करना पड़ा। क्या होता है कि हम सब बदलते हैं दुनिया में, यू नो, चेंजेस इन एक्टर, तो उसी हिसाब से जब मेरा भी किरदार काफ़ी बदला है, और किस हिसाब से बदला है उसे, किस तरीके से आई हैड टू एम्ब्रेस हिम, क्योंकि जो एक बहुत ही वॉज अ कैरेक्टर दैट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जब कुछ अलग देता है एक निर्देशक आपको कि आप इस तरीके से उसे पोर्ट्रेट कीजिए, क्योंकि ये सब हुआ है जो कि ज़िंदगी में, तो हाँ थोड़ी बहुत इनिशियली मुश्किल आप महसूस करते हो कि ये मुश्किल होगा, लेकिन तब जो बेसिक होता है एक किरदार का, जो एक फाउंडेशन होता है, वो कभी नहीं बदल सकता, और वो हम सब में नहीं बदलता, और वही हमारी फिल्म की कहानी है। ओके,